But in a country that takes cricket as seriously as India does, passions were running high. The press conference was disrupted by angry protesters belonging to the Hindu nationalist Shiv Sena party. Protesters stormed the venue shouting slogans against the players allegedly involved in cricket match fixing over the past decade. Year 2000, उस टाइम में मुंबई का अंडरवर्ल्ड काफी ज्यादा एक्टिव था और उस टाइम पे पूरे मुंबई शहर को दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील चला रहे थे। इनके क्राइम का नेटवर्क का रूट बहुत ज्यादा गहरा था और इसी नेटवर्क के एक बहुत बड़े प्लेयर का नाम था सलीम हथेली। सलीम हथेली पूरे मुंबई में दाऊद और छोटा शकील के लिए वसूली का काम संभालता था। एक टाइम पे सलीम हथेली ने अपोलो टायर्स के ओनर और खन्ना ज्वेलर्स के ओनर से प्रोटेक्शन मनी की डिमांड की। इन दोनों कंपनीज के ओनर डरे नहीं और सलीम हथेली का पूरा सीन मुंबई पुलिस को जाके बता दिया। सलीम को प्रूफ के साथ पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने उसके फोन को टैप करना शुरू कर दिया। सलीम उस टाइम पे फिरौती का काम करने के लिए कई अलग अलग नंबर यूज कर रहा था, उन्हीं में से एक नंबर था BSNL का। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चलता है एक टाइम पे BSNL वाला नंबर कृष्ण कुमार के नंबर से लिंक्ड था। कृष्ण कुमार टी सीरीज के एक्स ओनर कृष्ण कुमार के भाई थे जिसका इस सिलसिले से 2 साल पहले मर्डर हो गया था। जैसे BSNL सिम की लिंक की इन्फॉर्मेशन मुंबई पुलिस को पता चलती है उनके कान खड़े हो जाते हैं। मुंबई पुलिस को लगता है सलीम हथेली फिरौती के साथ साथ इन चीजों में भी इन्वॉल्व हो सकता है और इसी शक की बुनियाद पर सलीम के साथ साथ मुंबई पुलिस कृष्ण कुमार का फोन भी टैप करना शुरू कर देती है। डेली 2 कांस्टेबल्स रोटेशनल शिफ्ट पे कृष्ण कुमार के फोन को मॉनिटर कर रहे थे। ये सीन चल रहा होता है जब 17 फरवरी को कृष्ण कुमार के NRI दोस्त संजीव चावला लंदन से इंडिया आ जाते हैं और कृष्ण कुमार संजीव चावला को अपनी BSNL वाली सिम दे देते हैं इंडिया में ऑपरेट करने के लिए। संजीव चावला इंडिया आके होटल ताज में चेक इन करता है। उसके होटल ताज में चेक इन करने के सिर्फ 2 दिन बाद इंडिया और साउथ अफ्रीका का पहला मैच फंसता है। Because after you paid so much and given your soul, heart, body, sweat, and then you have to hear that I will die before that. I do hazard wrong things. संजीव चावला रुके थे। एक तरफ तो मैचेस शुरू हो जाते हैं, दूसरी तरफ मुंबई पुलिस कृष्ण कुमार के फोन को टैप करती है। इस टाइम पे कृष्ण कुमार का फोन संजीव चावला ऑपरेट कर रहा था। कुछ दिनों तक दोनों कांस्टेबल्स कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। दोनों कांस्टेबल्स कहते हैं फोन पे कोई सस्पिशियस बात नहीं की जा रही, फोन पे सिर्फ रोजाना की बात तो क्रिकेट से रिलेटेड बातें की जाती है, बीच बीच में एक आदमी से बात की जाती है जो फॉरेन एक्सेंट इस्तेमाल करता है। मुंबई पुलिस को जब भी कृष्ण कुमार के नंबर पे शक रहता है तो टैपिंग कंटिन्यू रहती है। और दोनों कांस्टेबल्स में से एक कांस्टेबल एक दिन साउथ अफ्रीका का मैच टीवी पे देख रहा था। जब भी उस मैच की कमेंट्री के बीच में साउथ अफ्रीका के कैप्टन हेंजी क्रोंजे कुछ बात करते हैं, जैसे ही वो हवलदार टीवी पे हेंजी क्रोंजे की आवाज सुनता है उसके कान खड़े हो जाते हैं। उस कांस्टेबल को याद आता है कि वही फॉरेन एक्सेंट है जो संजीव चावला के फोन को टैप करते समय सुनाई दे रहा था। अपने शक को कंफर्म करने के लिए मुंबई पुलिस दूरदर्शन से काफी ज्यादा फुटेज मंगाती है हेंजी क्रोंजे के इंटरव्यूज की। दूरदर्शन से मंगाई हुई क्लिप्स को वॉइस रिकॉर्डिंग से मैच करने की कोशिश की जाती है और दोनों वॉइसेस मैच हो जाती है, जिससे कंफर्म हो जाता है जो फॉरेन एक्सेंट होता है वो हेंजी क्रोंजे का होता है। लेकिन संजीव चावला साउथ अफ्रीका के उस टाइम के कैप्टन हेंजी क्रोंजे से बात कर रहा था और जो क्रिकेट से रिलेटेड बातें की जा रही थी वो कोई आम बातें नहीं थी। हेंजी और चावला जो भी कॉल पे मैच से रिलेटेड बातें कर रहे थे वो अगले दिन मैच में हो रही थी, यानी कौन आउट होगा, टॉस कौन जीतेगा, प्लेइंग 11 कौन होगी, कौन प्लेयर कितने रन बनाएगा, डिट तो एग्जैक्टली सेम टू सेम हो रहा था। पुलिस संजीव चावला की सिम को और स्ट्रिक्टली टैप करना शुरू कर देती है और मिड टाइम थोड़े बहुत और प्रूफ मिलते हैं जिससे कंफर्म हो जाता है कि जो फॉरेन एक्सेंट है वो साउथ अफ्रीकन कैप्टन हेंजी क्रोंजे का ही है। लोग यह सीन देख रहे हो, मुंबई पुलिस निकली तो थी सलीम हथेली को पकड़ने फिरौती के चक्कर में, पर उनके क्या लगता है इंडिया का पहला मैच फिक्सिंग का स्कैम। Demonstrators set fire to the effigy and said that the tainted players should be treated as traitors. They also demanded that all the state honours and awards given to the accused players should be taken back. मुंबई पुलिस टूर्नामेंट के बीच में केस फाइल नहीं करती क्योंकि मैटर काफी ज्यादा सेंसिटिव था। मुंबई पुलिस टूर्नामेंट खत्म होने का इंतजार करती है, पर ये इंतजार मुंबई पुलिस को काफी ज्यादा भारी पड़ता है क्योंकि टूर्नामेंट खत्म होने के सिर्फ 4 दिन पहले संजीव चावला लंदन वापस निकल जाता है। संजीव और क्रोंजे की कॉल रिकॉर्डिंग में क्रोंजे वादा करता है कि इंडिया 250 रन से ज्यादा नहीं बनाएगी और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। पूरी की पूरी इंडियन टीम 248 रन पे ऑल आउट हो जाती है। क्रोंजे को साउथ अफ्रीकन बैट्समैन का भी नाम लेता है, बोलते सारे बैट्समैन 20 रन से कम बनाएंगे और ऐसा ही होता है। 19 मार्च को साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच का मैच खत्म होता है, मुंबई पुलिस केस फाइल कर देती है और जैसे ही मैटर मार्केट में आता है पूरा देश फट जाता है। April 8th साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड सारे एलिगेशंस को डिनाई कर देती है, क्रोंजे सारे एलिगेशंस को फेक और बेसलेस ठहराता है। मिड टाइम इन्वेस्टिगेशन चलती जाती है और हेंजी क्रोंजे पे प्रेशर बढ़ता जाता है और सारे सबूत पेश करने के बाद हेंजी क्रोंजे अपने घुटने टेक देता है और पूरे देश के सामने अपनी सारी गलतियों को कबूल करता है।
Hopefully I can contribute some small measure of redress by placing before the Commission the information which follows in this statement. Initial denials of involvement made publicly and to the UCB were untruthful. My letter of the 11th of April was also untruthful in a number of respects, and so too was the subsequent press statement issued on my instructions. Sanjay phoned me and urged me to go ahead with fixing the match, and I gave in. I told him that I would go ahead. I was required to ensure that Gibbs would score less than 20 runs, that Williams would bowl poorly and go for more than 50 runs during his 10 overs, and that the total score should be no more than 270 runs. I was to be paid for doing this. I spoke to Herschel Gibbs and Henry Williams as described by them in their testimony. अब देखो हेनरी क्रॉन्दे ने कुछ भी किया वो आज की डेट में साउथ अफ्रीका के सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड क्रिकेटर्स में से एक है पर हेनरी अपनी डेट से पहले और भी काफी चीजों का खुलासा कर जाते हैं। हेनरी क्रॉन्दे खुद नेशनल टीवी पे कहते हैं कि इंडिया के कैप्टन अजहरुद्दीन ने उन्हें मुकेश गुप्ता नाम के बुकी से मिलाया था और मुकेश गुप्ता ने हेनरी क्रॉन्दे को पहली बार $30,000 दिए थे मैच को थ्रो करने के लिए। पुलिस आगे जाके मुकेश गुप्ता को धर लेती है। वो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं बताता। मुकेश गुप्ता का ऐसा कहना था कि उसने कुछ भी बताया तो उसे मार दिया जाएगा, पर विद टाइम वो सारी चीजों को उगलना शुरू कर देता है। मुकेश गुप्ता कहता है अफ्रीका और इंडिया वाला सीन पहला नहीं है, क्रिकेट में मैच फिक्सिंग कई साल पहले से करवाई जा रही है। और मुकेश गुप्ता कहता है अजहरुद्दीन के साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू, अजय जडेजा, अजय शर्मा और इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर कपिल देव, एक टाइम में सारे क्रिकेटर्स कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। और सलीम हथीले के चक्कर में इंडिया का मैच फिक्सिंग सिंडिकेट सामने आता है और हेनरी क्रॉन्दन के चक्कर में सिंडिकेट के मेंबर्स का नाम। सारी चीजें मैंने अपनी मर्जी से नहीं बोली है, सबका डेटा तुम्हें कहीं ना कहीं ऑनलाइन मिल जाएगा। जितने मैंने बड़े बड़े क्रिकेटर्स का पहले नाम लिया, इन सब पे सेपरेट वीडियो बनाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भी तुम लोगों को सेपरेट वीडियो चाहिए जिसमें अपन अलग अलग क्रिकेट स्कैम्स को एक्सपोज करें तो मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करके बता देना, तुम्हारे टॉपिक पे वीडियो बना देंगे।